सिंह साहब खड़े सन, उन्होंने खड़े होने भी तकलीफ सी, इस करके बेनती की है। तो हुण सिंह साहबान आप जी मुखातब हो। पंजाब दे कोने कोने तो जागदी जमीर वाले पहुँचे हुए वीरो भैनों, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा इस इकट्ठ दा मुख एजेंडा है कि जेड़ा साड़ी कौम दे मुड़ां दे विच सियोंक बन के बैठ गया, उन्हों बाहर किवें कढ़ना है। तो दूसरा जेड़ा सारे साडे देश दे मुड़ां विच तेल पाउण वास्ते हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की गल करन वाला उन्हों भजाउणा, ये दो गल्लां ने। क्योंकि ये जिहड़ा देश है ये बहु कौमी बहु भाषाई देश है, और ये देश तकरीबन लंबा समा जिहड़ा गुलाम ही रहा है, पर 47 विच साडे नाल साडे वड्डिया ने और बहुत सारे लोगों ने धोखा किया कि पंजाब जिहड़ा सी वह गोरियां कोल पहलां आजाद सी, जदों गोलियां गोरियां कोल गया है। भारत तां पहलां भी गुलाम ही सी, पर सानू भी इन्हां गुलामियां दे नाल जोड़ के साडी जिहड़ी किस्मत सी वह डोब दित्ती साडे वड्डिया ने। उस तो बाद जो कुछ होया है, जो कुछ तो ही सारे जानते हो, तुहानू पता है साडे नाल कित्थे कित्थे वधीकियां होईयां, किवें किवें होईयां, की होया है। मैनू तो वह समा भी याद रहिंदा, हमेशा मैं कभी भुलदा नहीं, जदों लुधियाणे तो एक DS गिल इन्हां दी आवाज़ आउंदी हुंदी सी, तो अमृतसर साहब तो जसवंत सिंह खालड़ा जी की आवाज़ आती हूँ सी, तो साडे मैं उदो चंडीगढ़ सी, उतों जस्टिस अजीत सिंह बैंस की आवाज़ आती हुंदी सी, बाकी कोई लीडर कोई उदों बोलता नहीं सी। और जिहड़ी वीरां ने गल की है कि असी इत्थों तुर के कुछ करन दा जज्बा लैके कुछ करिए, असी बैठीए ना साध संगत जी, असी तो जदों दे सुरत संभाली है तो असी यो कह सकते हैं कि ज्यों जम्मी त्यों बोधियों लम्मी, साडा तो संघर्ष ही रहा। क्योंकि जे जसवंत सिंह खालड़ा की गल करिए, तो जदों वो 5 सितंबर 1995 नूं पुलिस फड़दी है, केवल 10 दिन पहलों मैनू स्पैशल मिलने वास्ते ठट्ठी खारे साडा जिहड़ा हैडक्वाटर उत्थे आया सी, तो उन्हें एक मैनू हदायत की सी कि भाई साहब तेरे परिवार विच्चों सब तो ज़्यादा पुलिस की अख जिहड़ी तेरे ते ही, तू बच जा, तेनू इन्हां फड़ना ही। तो मैं उन्हूं कहा, महा भाई साहब असी तां सिर्फ इहो इस करके ही अगे आना कि असी KPS गिल दे पुत अजीत सिंह संधू ते केस पाया, तरन तारन विच्चों सब तो पहला केस जिहड़ा मैं SSP सिटिंग SSP दे उत्ते पाया सी अजीत सिंह संधू ते, और उदों तो लैके अज तक मनुखी अधिकारां वास्ते लड़दे आ रहे हैं, मनुखी अधिकारां लई खड़दे आ रहे हैं। कुछ नहीं हुंदा, एवें घबराउण दी कोई लोड़ नहीं है, सिर्फ सानू अपने आप नूं गुरु साहब जी नूं समर्पित करके तुरन दी लोड़ आ, काफला अपने आप ही बनता जाता है। वीर ने गल की सी संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी, ते मैनू तो यह भी माण है कि मैं उन्हां दे हत्थों अमर छकिया सी 1982 दे विच। सत श्री अकाल। असी भावें उदों छोटे सी, सानू नहीं सी पता भी पंज प्यारे की हुंदे आ, किस तरह वा बाप लै मां बाप लै गए कि जे तुसी अहीं कार सेवा करदे हां, जे पुत्रो तुसी अमृत नहीं छकदे, तो लोगों ने कहना बाबा जी दे आपदे परिवार के मैंबर अजे तक अमृतधारी नहीं होए, तो असी अमृत छकन गए सी। तो मैं बार बार कहा, मैं कहा संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां, मैं कहा बाबा जी मैं तुहाडे कोलों ही अमृत छकना। वह कहिंदे हुण मैं पंजां प्यारिआं च, हुण मैं वड्डा छोटा नहीं है, कितों भी छकिया जाता, पर उन्होंने हथों अमर छकिया। उस तो बाद कोई 2-4 स्पीच भी नहीं सुनी, कुछ नहीं, क्योंकि उम्र ही छोटी सी। 1984 तो बाद विच जिस तरह वीर ने दस्या ना, सानू समझ लगी असल विच संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी अपनी कोई सोच नहीं सी, इह सानू भुलेखा कढ देना चाहिए। उन्हां दी सोच कहड़ी सी, जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 की विसाखी नूं खालसा पंथ विच पाई सी, पर उस सोच नूं लै के संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां ने यह गल मुख रख के चल पाए कि बोलीए सच, धर्म झूठ ना बोलीए, कि सच बोलना है, सच ते पहरा देना है, सच की गल करनी है, क्योंकि सच बोलांगे सच ते पहरा देवांगे ते तां ही साडी कौम जिहड़ी अगांह कुतरांग वल जिहड़ा साडा मिशन है उहदे वल वध सकदी है।
और उस तो बाद अज तक साध संगत कल भी मैं स्पैशल अदालत जी उ गवाह लैके गया अजे तक भी साढ़े ते दबा है कि चलो तुम बाबा चरण सिंह केस जड़ा उन्हों खत्म कर दिए 60 लाख रुपया लै लो 2 करोड़ रुपया लै लो पर असी अजे भी पैर की जुत्ती नहीं वह जे पैसे रखते जोड़ा साढ़े प्यो की चिट्टी पग में दाग लाता हो साडा तो उत खल सी एक सिख दो साध संघ पन्नी परमेशर पर हुण तां असीं इन्ने वड्डे काफले विच हो के भी कुछ नहीं कर सके। ये सानू गुरु ने एक तखलस दिता है कि एक सिख दो साध संघ पन्नी परमेशर भी एक सिख जिहड़ा वा उह सिख है ते जदों दो जणे मिल जांदे आ तां साध संगत बन जांदी है ते जे पंज हो जाण ते परमात्मा वाहिगुरू आप आण के वस जांदा है। पर जो हालात पिछले समय विच आपां देखे है मेरे तो ज़्यादा तुसी सारयां ने हंडाए होणगे प्रकाश बादल ते इक इहो जिहा कलंक साडी कौम दे मत्थे उत्ते लग गया जिन्हों पासे सुटना बहुत जरूरी है। और भाई साहब होना ने हुणे गल कीती है कि 1984 दे विच अटैक नहीं सी होना जे रमेश चंद्र गरेवाल इहदे साले दा घर दी दा मासी दा पुत भरा इहदा साला आण के सैन ना करदा। फौज उदों भी नहीं आनी जे पहलों कितने अकाली दल ने ना एप्लीकेशन लिखी होंगी भी संत जरनैल सिंह नूं फड़ो आण के हमला करो जो मर्जी करो। ये भी तो अकाली दल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान लौंगोवाल की चिट्ठी के उत्ते फौज आई सी ना भावें 1978 का साका लै लीए तभी अकालियों की सरकार और उस तो लैके हुण तक जिन्ना भी इतिहास है सारा बड़ा लंबेरा है। एक तो मैथों भी ज़्यादा समा खलोता नहीं जाना तो तुम भी बड़े समय तो उड़ीक कर रहे हो किसी आने वाले समय से जो हूँ आप प्रोग्राम देना जेड़ा मर्जी ये 5 साल की टर्म खोल के वेख लो इन्हें सिक्खी वास्ते किया ही कुछ नहीं सदों सिक्खी का नुकसान करने वास्ते जरूर सिखां दे उन्हां वैरियां दे नाल इन्हें जारी लाई जेड़े कहिंदे आ कि सिख जेड़ा धर्म है ये है ही नहीं ये हिंदुआं दा एक हिस्सा एक पार्ट है। और अज तक वह सानू ये गल मन वास्ते तैयार ही नहीं है। जदों कितें कोई गल चलती है उदों कहिंदे ने कि मुसलमान ते हिंदुआ दा रौला पा के एवें लोकी वोटां लैंदे आ सिखां दा विच ना ही नहीं आउंदा क्यों क्योंकि वह सानू खत्म कर चुके भावें उन्हां नूं इस गल दा नहीं पता कि वह प्रगट मर्द गंबड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला कि सानू गुरु ने परमात्मा की मौज में पैदा किया परमात्मा की मौज में पैदा की हुई चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती पर वो अपने भुलेखे नूं फिर भी असली रंग देने वास्ते हमेशा तत्पर रहिंदे आ। वीरां ने हुणे गल कीती सी कि प्रचार की बहुत घाट है साध संगत मैं नहीं जी इस गल नूं मनदा जो अमृत का बाटा तैयार हुंदा अमृत छकाया जाता है उदो पंज प्यारे सिंह एक गल करते हैं उत्ते असीं अमल नहीं करते जे अमल कर लईए तो फिर पता लग जाएगा कि प्रचार की कोई घाट नहीं है। उदों कहा जाता है कि सिखा अज तो बाद तू खुद गुरु नानक के घर का प्रचारक है तू हर घर घर जाके सिखी का प्रचार करना है। पर जदों आप प्रचारक श्रेणी नू एक एहो जे मुकाम ते पजा दिता भी अहीं शायद भी साढ़े तो उन्हां तो बगैर सानू गुरु की गल कोई दसन वाला है ही नहीं तो उन्होंने भी उहो गल करनी जिहदे नाल तुसीं खुश होवो। तुहानू याद होना जदों अमरीक सिंह चंडीगढ़ वाले ने कहा सीगा मंजी साहब दुआ नाल ते जाके भी उत्थे पंथ सारा गलियों में रुल डिया तो इतने तुम की करते हो तो उन्होंने मुड़के उस बाद बोलन नहीं दिता जाता। पर थोड़े दिन बाद ही कौम के बड़े बड़े प्रचारक का एक बयान आ गया कि मैं कंडीशन के विच कभी भी इतने कथा नहीं करनी तो चलिया गया। पर होया कि बड़ी औखी गल है जी मैं कह लगा तुहाडे विचों बहुत सारे वो पाशक होणगे नाम तुसीं आपे ही जान लिओ। होया कि 2 महीनों बाद 10-15-20 बीबियां इस तरह कट्ठिया करके 10-15-20 अमृतसर के बंदे कट्ठे करके अवतार सिंह मक्कड़ नूं कह दिता भी नहीं सानू इहो ही प्रचारक चाहिए। बंदा पूछे भी हुण तेरियां कंडीशन खत्म हो गई है। जदों सिख घर घर विच कल्ला कल्ला सिख प्रचारक बन गया सानू उहो जे प्रचारकां दी भी कोई लोड़ नहीं पैणी जिहड़े प्रचारक केवल पैसों की खातर तुहानू मोशन करके तो मुड़ के पैसे लैके जा तुरे जांदे आ। अज आप वेखते की है जिन्ना सरमाया 5-7 प्रचारकों के घर ही जा रहा बाकी किसी ने कोई पुछता ही नहीं चाहे वह कोई ढाडी है चाहे कोई रागी है चाहे कोई प्रचारक है क्यों क्योंकि असी प्रचार का काम ठेके से दे दिता है। सिख कभी सोचता नहीं है कि प्रचार मैं खुद करना सी
गुरु ने कहा घर घर सिक्खी पहुंचाउण दा मतलब यह नहीं कि जिहड़े प्रचारक उही करनगे, प्रचारक साडे सत्कारयोग आ, असीं किसी दे विरुद्ध नहीं बोलदे, पर असीं उहनां नूं ठेका दे दित्ता, गुरद्वारे ग्रंथी नूं ठेका दे दित्ता भी आ लै भाई चक, तैनूं 3,000-4,000 रुपया देवांगे, प्रकाश तूं करना, सुख आसन तूं करना, साडी ड्यूटी नहीं इह तेरी ड्यूटी आ। इह कित्थे लिखिआ वे पिंडां दे विच खुंड चर्चा दे विच सैकड़े नहीं हज़ारां लोक जिहड़े आ पिंडां पिंडां विच बैठे रहिंदे आ, पर कभी कोई श्री अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करने वास्ते कोई उत्थे पहुँचता? कोई नहीं पहुँचता, अपने घर बैठे आराम ना। तो ग्रंथी सिंह बेचारा कई बार उन्हां कोल महाराज के सरूप नूं हाथ पाउण वास्ते एक हाथ पाउंदे ते एक हाथ नाल चौर साहब लैके तुरे जांदे, ते असीं वड्डियां वड्डियां दम गजे मारदे कि साडी कौम बड़ी तरक्की, कौम कौम तरक्की साडी कर रही है? जे साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करन दा टाइम भी है नहीं, जे साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब सुख आसन करन दा टाइम है नहीं, तो फिर किहदी तरक्की आ, तो की तरक्की वह किहड़ी तरक्की वाल असीं वध रहे हां? इहो कारण है कि असीं सारा कुछ कहता भी अकाली दल साडी उह कौ साडी पार्टी है जिहड़ी साडी राजनीतिक भविख जिहड़ा वा उह अगे लै करेगी, उहने साडा बेड़ा कर दिता। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी शहीदां दी जथेबंदी सी, अज कित्थे खड़ी है? श्री अकाल तख्त साहिब दा संकल्प कित्थे सी, अज कित्थे है? जथेदार लिफाफियां चों निकलदे आ कौम दी बदकिस्मती होर इहदे तों वध होर की हो सकदी है? तुसीं विधानसभा जां लोकसभा दी गल करदे हो, साडे कोल तां साडा अपना सिधांत, साडी अपनी श्रोमणी कमेटी भी नहीं रही। आ जिन्ने श्रोमणी कमेटी मैंबर ने कदी उहनां वे प्रचार कीता तुहाडे घरां जाण के, कदी उहनां ने कुछ कीता, फिर वोटां पाउण लगे आपां फिर उसे खुड विच जाके वड़ जांदे आ। जसवंत सिंह खालड़ा ते अपनी करके चला गया, असल में 25,000 लवारस लाशां जिहड़ियां ये जसवंत सिंह खालड़ा ते हरकंवर कौरपाल एक पत्रकार ते एक होर बराड़वीर सी, इन्हां तिन्नां जणियां ने लभिया सी। किसी वीर का संस्कार होना सी अमृतसर शमशान भूमि विच, उत्थे तीन जणे गए ते उह जिहड़ा उत्थे कोई संस्कार करन वाला वीर सी, उह कहिंदा इस रजिस्टर दे विच साइन करो, ते कौरपाल तुसीं हो सकदा जाणदे हो, जाणदे हो ज़्यादातर अजीत अखबार विच रहा है, कौरपाल कहन लगा खालड़ा जी नूं, कहिंदे खालड़ा जी इहदा मतलब जिहड़े साडे नौजवानां नूं शहीद करके साड़िया जाता वख वख जेलां दे अपने शमशान भूमियां विच, इहनूं पुछिए उहनां दा वी कोई रिकॉर्ड है? उह कहिंदे हुणे पुछ लैंदे आ। अगले दिन फिर तिन्ने बंदे उत्थे चले गए, तो उत्थे जाके शुरुआत होई, ते उह जिहड़े अमृतसर की शमशान भूमि, तरन तारण की शमशान भूमि, तो पट्टी की शमशान भूमि का उन्होंने अंकड़े कट्ठे किए, जिहड़े कट्ठे किए वह अंकड़ों के हिसाब नाल उन्होंने मोटा जिहा हिसाब लाया कि 25,000 लवारस लाशां का जिहड़ा संस्कार है वह पंजाब दीआं मड़ियां दे विच खास करके शहरां दे विच होया है। पर जिहड़े राजस्थान की सरकार बार बार ये एक मता पा के भेजदी रही कि तुहाडियां लाशां इधर आ रही ने, उन्हां दा सानूं कोई अजे लेखा ही नहीं है। 1.5 लाख सिख नौजवान जिहड़ा है, 25,000 नहीं 1.5 लाख नौजवान जिहड़ा वह शहीद होया है, उन्हां विच किसे अकाली का पुत नहीं मरिया, किसे कांग्रेसी का पुत नहीं मरिया। जे अज भी कितने कोई गल हुंदी है तो कोई अकाली कांग्रेसी किसी का पुत जिहड़ा वह किसी गल विच नहीं आता, सिर्फ लीडरी करन वास्ते जरूर आ जाता है। और जिन्ना चिर आपां हुण आपां गल्लां, क्योंकि तुसीं भी काफ़ी समय तो बैठे हो, बहुत सारिया कीतियां, हुण आपां हल लभीए कि हल की होवेगा। सब तो पहला जिहड़ी मेरी है ना, मैं कीता इहनूं छड्डणा पवेगा। जब लग मेरी करै तब लग काज एक नहीं सरै, जब लग मेरी मिट जाए तब प्रभु का सवारे आए। जदों साडियां अपनियां जथेबंदियां जिहड़ियां जिन्नियां जथेबंदियां आपां उहनां दा सत्कार करदे माड़ा नहीं कहिंदे, पर जिन्ना चिर ये जथेबंदियां सारियां एक प्लेटफार्म ते नहीं आउंदियां उन्ना चिर कुछ भी नहीं जे होणा। बड़ियां मूवमेंटां आईयां, जे नुकसान हुंदा तो उदों हुंदा जदों सिख एक दूसरे वल पिट करके एक कैं नूं तुरदा है, कैं नूं तुरदा है। किन्नियां मनुखी अधिकार जथेबंदियां होंद विच आ चुकियां, पर किन्ने कु मनुखी अधिकार जिहड़े सानूं मिल गए आ। सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज जी ने खुद मनुखी अधिकारां दा लंबड़दार बनाया सी, पर अज असीं उह रहे नहीं। प्रचार तां जे आपां सवेरे टीवी ला लांगे 4 घंटे उह असीं सुन लैणा है,
दो तीन थावां तो कथावाचक बोलते ने वख-वख समयां ते वह भी आपां सारा सुन लेना है, प्रचार ते अमल नहीं हो रहा। जिहड़ा प्रचार हो रहा बहुत हो रहा है, जां इंज कह लो भी इह ते सगो मोहले धार मीह वांगू प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया ते आपां जो मर्जी कढ लईए उस वेले प्रचार आपां गुरु की गल सुन सकते हैं, गुरु की गल पढ़ सकते हैं, जिहड़े मर्जी इतिहास की आपां खोज लैणी होवे तां अपने मोबाइलों के ही सब कुछ पिया है। जे नहीं हो रहा तो उत्ते अमल नहीं हो रहा, क्योंकि असी अमली सिख नहीं रहे, असी नशे वाले अमली की गल नहीं करते। जिहड़ा परमात्मा वाहिगुरु का सिमरन का जिहड़ा अमल सी उह साडे कोल नहीं रहा, और जो असी करना चाहते सी असी उस गल वल नहीं वधे, असी केवल तो केवल अपनी जथेबंदियों नूं चमकाउण वास्ते ही हुण तक गल हो रही है। रही गल जिहड़ी बीबी खालड़ा जी उत्थों खलोते ने, मैं तो तुहानूं पहलू दस दिता भी मैं तो उन्हां दा साथी रहा जसवंत सिंह खालड़ा उन्हां दा। तरन तारन की लोक सभा दे विच्चों बीबी परमजीत कौर खालसे नाल होर चंगा किहड़ा हो सकता, उत्थे कुड़ी मारन वोट पाऊंगे। बादल ने उत्थे कुड़ी मार साडे सिर ते उत्ते मड़ी आ भी तुहाडे एरिए दे विच आ कुड़ी मार जिहड़ी इहनूं वोटां पाओ। सानूं सारिआं नूं पार्टीबाजी तों उपर उठ के बीबी परमजीत कौर खालड़े की पुरजोर जिहड़ी हमायत करनी चाहीदी है, और हमायत करन वास्ते सानूं सारिआं नूं एक दूसरे के नाल होए एकत्र, मिलो मेरे भाई दुबधा दूर करो लिवलाए, हर नामे की हो बहु जोड़ी गुरमुख बहसो सफा विछाए। सानू सफा विछाउणी पैणी है, आ कुर्सियां की गल नहीं जे चलनी, ये कुर्सी तो कुरसी हुंदी है, तां राशि कोई नहीं है। जिहड़ा एकरी बह जांदा उह चंबड़ जांदा है, तो जिहड़ा लागे बैठा वह कहिंदा वी किहड़े वेले होवे छड्ड के परां होवे उस वेले मैं उठ के आण के पेथे विच बैठा, पर जिथे सफा विछी होवे उत्थे कुछ नहीं जांदा, उत्थे सारे कार्ज जिहड़े आ सवारे जा सकदे। इसलिए आओ जिथे बीबी खालड़ा नूं जिताउण दी गल करनी है उत्थे मैं तां कहूंगा वी कांग्रेस ते अकाली दोनों ही साडे कुछ नहीं लगदे। कांग्रेस ने साडा घर ढाया, कांग्रेस ने साडे नौजवानां नूं शहीद किया, पर नरेंद्र मोदी की जिहड़ी पार्टी आ उह कहिंदी इह तुहाडा घर नहीं ढाउणा, तुहाडियां नीआं ही पुट देणियां, असीं तुहाडे दरख्त नहीं वढणे जिहड़े कांग्रेस ने वढे सन, असीं जिहड़ियां उहनां दीआं नीआं जिन्हां नूं आपां जड़ां कहिंदे असीं जड़ां वढ देंगे तुहाडियां। ते जड़ां वढण वास्ते उहनां ने खालसा साहब भी कैप्चर किया, श्रोमणी कमेटी भी कैप्चर की है, दिल्ली कमेटी का तो प्रधान ही RSS का बनिया हुण, और बेशर्मी की हद इन्नी ज्यादा है साडी कौम दे विच भी उस पतत नूं असीं अजे तक दिल्ली दे विच कोई मुहिम ही नहीं चल सकी भी आ पतत बंदे नूं क्यों साडे सिर दे उत्ते मर दित्ता है। दाड़ी और रंगदा अमृत उहने नहीं छकिया, आ पंज पैरां दा कंसैप्ट कलगीधर महाराज जी ने आप शीश झुका दिता सी दिल्ली दे विच, ते उहने पंज पैरे आप दे दफ्तर विच सद्दे ते कह दिता कि हुणे कहो भी मैं तनखाह लाग दित्ती आ ते इहनूं असीं बरी करदे आ, जे नहीं होया ते दसो मैं झूठ बोलदा कोई। मनजिंदर सिरसा जिहड़ा है उन्हें पांच सिंह जिहड़े उत्थे पंजां पैरां 'च लगदे उन्हां नूं अपने कमरे 'च बुलाया दफ्तर 'च बुलाया, तो मुड़ के अगले दिन कह दिता भी मैं तनखाह लवा ली है। इन्हां उल्लुआं नूं अजे तक इहो ही नहीं पता कि पंज प्यारे उदों हुंदे आ जदों पंज प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच चोले पा के खड़ जांदे वर्दी पा के। हुण असीं सिंह ही हां, भावें तुसीं सानूं पंजां प्यारां दा नां देता पर पंज प्यारे स्थाई नहीं हुंदे, और पंज प्यारे जदों सजदे आ उदों फिर एक छेवां सिंह होर हुंदा जिहड़ा हजूरी 'च बहिंदा, उस तों बगैर भी पंज प्यारिआं दा कोरम पूरा नहीं हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में बैठा होया ग्रंथी सिंह तो सामने पांच तैयार बर तैयार, तो छे घट्टो घट जिहड़े चाहिए तो फिर जाके पंजां पैरां दा कंसैप्ट पूरा हुंदा। साडे लोग तो यह गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी भुल गए, पंजां दे सिधांत नूं भी इन्हां लोकां ने रोल के रख दिता। अकाली मैं हरप्रीत सिंह नूं एक फोन किया सीगा जिहड़ा जथेदार बनिया, मैं कहा आनंदपुर साहब की धरती से थोड़ा अगे जाके जिन्हों आप गुरु का लाहौर कहने उत्थे एक बोर्ड लग्या कि पता नहीं की ना ABC रखे भी उत्थे एक गुरद्वारा साहब बन दिया नवा, तो गुरद्वारा साहब जिहड़ा नवा बन दिया उहदे विच पता की लिखिया कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुगलों तो बचण वास्ते एक पत्थर के पिछे जाके छिप गए, तो उन्होंने फिर गोलियां चलाईया तो पत्थर के उत्ते गोलियां के निशान है तो पिछे चले गए,
तुहाडे विचों कोई बंदा एक भी कह दे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु के लाहौर लड़ाई की हो है ही नहीं। साडे इतिहास के मुताबिक उत्थे लड़ाई कोई नहीं हुई। आनंदपुर साहब हुई है, चमकौर साहब हुई है, भंगाणी का युद्ध होया, होर जिन्हें भी होए 14 लड़ाइया सारिया गुरु साहब दी लिखिया हुई हैं। पर गुरु के लाहौर तो विआह कराने गए से उत्थे लड़ाई का मतलब ही कोई नहीं। तो उतरों वह नेकी जिहड़ा उत्थे बैठा न्यूजीलैंड कह रहा कि गुरु गोबिंद सिंह कुंदरां दे विच लुक गया से। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज ने तो आप वंगार के जंग दे विच कहिंदे सी भी लै भी हुण सिद्धा हो जा मैं आ गया। भावें कोई सैद खां आया, भावें कोई दूजा आया, भावें तीजा आया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक झलक ही उन्हें पाई तो वह तो साध बन के तुर गए सन। तो लड़न डरन वाली कि गल है? जे डरन की गल होंगी तो जो माता जीत कौर ने पूछया सी कि आ साहबजादे नूं दाढ़ी आ गई मंगना कित्थे, कहिंदे चमकौर की गढ़ी च मंगे हुए आ, तो दो जिहड़े आ उह सरहंद दीआं नीहां विच मंगे हुए आ, इन्हां दी मंगणी मैं कर चुका हां। कहिंदे मैनूं समझ नहीं लगी, कहिंदे मौत नाल विआह कराउणगे, दो चमकौर की गढ़ी दे विच शहीद होणगे ते दो जिहड़े आ उत्थे चमका अपने सरहंद विच होणगे। इहो जिहा इतिहास साडा ते इहो जिहे गुरु दे इतिहास दे उत्ते साडे लोक जिहड़े की कर रहे ने, तो उन्हां सानूं तो पता ही नहीं। जहेदार कालता साहब कहिंदा सानूं तो पता ही नहीं। मैं कहा तुहानूं पता करन दी लोड़ भी की है? जथेदारियां मिलियां, चुप करके आराम नाल दो चार पांच गड्डियां पायलट गड्डियां मिलियां। सतसंग जी साढ़े कोई हथियार नहीं, असी तो इस तरह कृपाना ही हैं, साढ़े कोई हथियार साढ़े इस तरह असी चलते हैं। और जो साढ़े केस में मैं तुहानूं बंदे दा गिण के दसा, तुसी हैरान हो जाओगे भी है तुसी आम मामूली सिख हो के एडे वड्डे बंदे। खूबी राम एस पी ऑपरेशन से उस टाइम पर इस वेले मुख्यमंत्री का सलाहकार है, वह भी साढ़े केस में है। तीन एस एस पी इस वेले सिटिंग जेडे साढ़े केस में है। पर सानू तो कोई डर नहीं है, असं तो गवाहियां दे रहे हैं जाके। सानू सारियां नू अपने मना दे विचों ये वहम कढ देना चाहिए कि जे असी सच बोलिया तो पता नहीं की होगा, हो जाण दो। रही गल वोट ना पाउण दी, 2004 दे विच मैं पंजां पैरां भर्ती होया हाँ, अज तक कोई कह दे भी मैं कालियां नू किसे नू वोट पाई होवे, नहीं पाई, उत्थे रह के भी नहीं पाई। साडे पिंड दा इक एमएलए साडे इलाके दा हरमीत सिंह संधु कहिंदा जे तू वोट ना एरकां दी पाई अकाली दल नू ते तेरी बदली कर दांगे। मैं कहा तू जो मर्जी कर ला, तुहानू वोट ते तुसी हकदार ही नहीं। ये आपां मतदान करनी है, किसी ते आसान नहीं करना। तो मतदान बोतल शराब की पी के नहीं की जाती, तो मतदान पैसे चार लैके नहीं किया जाता। मतदान का मतलब साड़ी जमीर जिहड़ी है वह की कहती है, तो सिख दे कोल है कि एको ही चीज़ है। सिख को जमीर कायम है, बस उन्हें ही सिख कहा जाता। जिहड़ा जमीर दे मार के रहिंदा, संत जरनैल सिंह भिंडराला कहिंदे वह तो सिख ही नहीं है। शरीर के मर जाण नूं कहिंदे मैं मौत ही नहीं समझदा, पर मेरी आत्मा जिहड़ी जे उहनूं कोई नुकसान हो जाए तो फिर यकीनन मेरी मौत हो जाती है। आओ आपां सारे इस गल नूं मुख रख के चलीए, आपां सारे प्रण करिए कि असी उस व्यक्ति नूं वोट पाउणी जिहड़ा चोर नहीं है, असी उस व्यक्ति नूं वोट पाउणी है जिहड़ा बदमाश नहीं है, असी उस व्यक्ति नूं वोट पाउणी है जिहड़ा अजे तक कदी भी उत्ते कोई दाग नहीं लगा। आ जिहड़े लिबड़े फिरदे इन्हां नूं कोई वोट नहीं पाउणा। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान कर लैणियां जी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।